हेलो ब्रो, इस वीडियो में जानेंगे आप लोग कैलकुलेटर हाइड ऐप का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप जो कैलकुलेटर हाइड ऐप का यूज करते हैं फोटो एंड वीडियो हाइड करने के लिए, और आप जो कैलकुलेटर हाइड ऐप का पासवर्ड भूल चुके हैं, तो कैसे आप लोग पासवर्ड को पता करेंगे। और अगर आप लोग जो कैलकुलेटर हाइड ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जो डाउनलोड करने का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से कैलकुलेटर हाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग जो है कैलकुलेटर हाइड ऐप का पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो हमें कैलकुलेटर हाइड ऐप का पासवर्ड पता नहीं है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं पासवर्ड को टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है 1 1 2 2 3 4, आपको इतना टाइप करना है 1 1 2 2 3 4, एंड यहाँ पर नीचे आपको ब्लू बटन दिखाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और जब भी आप कैलकुलेटर हाइड ऐप में जब आप पासवर्ड सेट करते हैं, तो उसी टाइम आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो जो भी आपने क्वेश्चन उस टाइम सेलेक्ट किया होगा, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपने क्वेश्चन का आंसर भी आपने नीचे टाइप किया होगा। तो अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर याद है, तो यहाँ पर आप जो आंसर को टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमें जो है आंसर को याद है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आंसर में अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप किया था, तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ को टाइप करता हूँ, ठीक है। एंड जैसे आपने आंसर में टाइप किया था, सेम टू सेम आपको टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग एक नया पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक नया पासवर्ड टाइप करता हूँ, एंड यहाँ पर ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर दोबारा से वही पासवर्ड टाइप करेंगे, एंड यहाँ पर दोबारा से ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड यहाँ पर चाहे तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, एंड यहाँ पर नहीं तो आप लोग यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बर्थडे को सिलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर आप लोग इसका कोई भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आप आंसर देना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर सेकंड चल रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, एंड यहाँ पर आपको गो इट पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ पर ऐड को कट कर देना, एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा फोटो वगैरह है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा जो भी फोटो वगैरह है वो यहाँ पर डिलीट नहीं होता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि अगर आपको आंसर याद नहीं है तो कैसे आप लोग जो है पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप लोग पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आंसर को याद नहीं है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर हाइड ऐप को ओपन करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है 1 1 2 2 3 4, एंड यहाँ पर नीचे आपको ब्लू बटन दिखाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर अगर आपको आंसर याद नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रबल इन लॉगिन, सिंपली आपको ट्रबल इन लॉगिन पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है सेंड ईमेल, सिंपली आपको सेंड ईमेल पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको कोई भी अपना एक ईमेल आईडी टाइप कर देना, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है उसको आप लोग यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना एक ईमेल आईडी टाइप कर दिया, एंड यहाँ पर मैंने प्राइवेसी के लिए इसको ब्लर कर रखा है। उसके बाद ईमेल टाइप करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दोबारा से जो कैलकुलेटर हाइड ऐप है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बैक आ जाना, बैक आने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों को वेट करना है 24 घंटे तक। जैसे आप लोग 24 घंटे तक वेट करते हैं, तो आपको 24 घंटे के अंदर में आपको एक ईमेल आएगा, जो भी आपने ईमेल टाइप किया था उसी ईमेल पर आपको एक ईमेल आएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ईमेल आया या नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ईमेल है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आपके भी पास ईमेल आएगा, एंड यहाँ पर हो सकता है कि ईमेल आने में टाइम लगे, ठीक है, यहाँ पर फिक्स नहीं होता कि ईमेल कितने टाइम आएगा, 10 मिनट में भी आ सकता है, 1 घंटे में भी आ सकता है, 10 घंटे में भी आ सकता है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर जो है ईमेल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके पास ईमेल आएगा उसमें आपको यहाँ पर एक कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोड दिख रहा है, ठीक है, इसको आप लोगों को यहाँ पर कॉपी कर लेना, ठीक है, चाहे तो आप लोग इस कोड को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग जो कैलकुलेटर हाइड ऐप में जाएंगे, एंड यहाँ पर जो भी कोड है, ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। ईमेल में जो कोड आया था, ठीक है, उसको यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ऐप में टाइप कर दिया है, एंड यहाँ पर नीचे आपको ब्लू बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप लोग एक नया पासवर्ड टाइप करेंगे, एंड यहाँ पर आपको दोबारा से ब्लू बटन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर दोबारा से आपको वही पासवर्ड टाइप करना है, एंड यहाँ पर दोबारा से आपको ब्लू बटन पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोग क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर उसका जो भी आंसर आप लोग देना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो भी आंसर देना चाहते हैं उसको आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर दिया, एंड यहाँ पर नीचे लिखा कन्फर्म, सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लगा, एंड यहाँ पर सिंपली आपको गो इट पर क्लिक कर देना,
एंड यहाँ पर देख सकते हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी मैंने पासवर्ड सेट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं उस पासवर्ड से यहाँ पर मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो कैलकुलेटर हाइड ऐप का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर हाइड ऐप का पासवर्ड पता नहीं है तो आप लोग पता कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो भी आपका फोटो वगैरह होगा वो यहाँ पर डिलीट नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को लगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो उसके बगल में बेल आइकन देखने को लगा उस पर क्लिक करके ऑल पर चलिए ताकि नए वीडियो देखो सबसे पहले।